इतना मजा आ रहा है। मैच ही नहीं है यार, घोड़ों का खेल है वहाँ इंसानों का, है ना। तो बिल्कुल ये तो बहुत ही अलग चीज है। एंड आई होप मुझे मौका मिले, ये खेलने का तो नहीं बट घोड़ा चलाने का। बिग बॉस के वहाँ जो घोड़ा था वहाँ पर तो ऊपर भी नहीं बैठ पाए हो, बट यहाँ असली घोड़े देखकर मजा आ गया। मेरे लिए मेरे दो दोस्त हैं, मुनव्वर और अभिषेक। वो सलमान सर के लेफ्ट और राइट में दोनों एक एक जन खड़े हो जाए, मेरे लिए गेम विन है। फिर सर किसी का भी हाथ उठाए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों में प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती ना कि मुनव्वर जीते तो अभिषेक के लिए बुरा लगेगा, अभिषेक जीते तो मुनव्वर, तो वहां तक दोनों पहुंच जाए मेरे लिए जीत है। जरा परवाह नहीं थी कि मुनव्वर, क्योंकि उसे बहुत गंदी वाली चोट लग सकती थी। अगर आप उस क्लिप को देखेंगे जहां पर मुनव्वर ने जंप मारा, उसके आगे लकड़ी की बेंच है, उसके पीछे वो सीमेंट का पूरा जो जिसमें पेड़ की गुलाई है, मतलब मुनव्वर का अगर बैलेंस जाता ना तो बहुत खतरनाक हो जाता। मतलब ठीक है गेम है सब कुछ है, बट इतना क्या कि किसी की जान की भी परवाह नहीं। आपके हिसाब से विनर कौन है? एक मिनट, यहाँ का गेम इतना मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ घोड़े भाग रहे हैं, वहाँ इंसानों के दिमाग भाग रहे हैं। बट खैर दोनों का कोई मेल तो है नहीं, बट दोनों अपनी जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई इंसान के दिमाग से खेलना, खुद के दिमाग से खेलना, और यहाँ पर जो हमने देखा है पोलो मैच, आई मीन इट इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड इट इज ब्यूटिफुल। तो वो बिग बॉस एक्सपीरियंस भी उतना ही मेरे लिए खूबसूरत था जितना कि ये वाले मैच का। कुछ तो बोलो, मैं खुश हो जाना हूँ। आप कितना खुश है? बहुत खुश हूँ, फाइनली फाइनली अभिषेक का पीछा छूटा। और विक्की और मुनव्वर में भी झगड़ा हुआ था रिसेंटली, हमने देखा। आई एम वेरी अनहैप्पी विद विक्कीज बिहेवियर ऑन दैट, कि ठीक है एक स्ट्रैटेजी, एक गेम, एक दिमाग चलाना, एक मैनिपुलेट करना अपनी जगह, बट किसी को फिजिकली हार्म हो जाए इट्स नॉट डन। और वो बहुत इंटेंशन था जब मुनव्वर उसे बोल रहा है कि विक्की भाई मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, बट ही डिडंट केयर, इट इज नॉट रियली नॉट करेक्ट, इट्स नॉट रियली। और मुनव्वर में भी काफी लेवल हुए थे रिसेंटली, हमने देखा था। अब क्या ही बोले, एक तरफ अंकिता ने बैकफुट ले लिया था, जहां तक मुझे याद है, ये कह के कि मुन्ना मैं बैकफुट ले लेती हूं अपनी दोस्ती से ताकि मेरी तुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे, बट इन द लास्ट वीक सिवाय एक्सपेक्टेशन या ओवर एक्सपेक्टेशन की कुछ नजर नहीं आ रहा है अंकिता का मुनव्वर से। तो फिर वो I still can't understand कि वो है कौन। आपके हिसाब से विनर कौन होगा? मेरे हिसाब से विनर मेरे लिए अभिषेक और मुनव्वर दोनों हैं, और किसी का भी हाथ ऊपर जाए मैं दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग। जरा मुंह पलटा ना, मैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भाग रही हूँ। कुछ बोलता नहीं, अच्छा है। हम लोग ने भी फोटो खिंचवाया है। हाँ जी, हम लोग ने भी फोटो खिंचवाया है। कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता, अच्छा है। इतना ब्यूटीफुल है यार, अरे बहुत दूर है, डरो मत। Thank you. धन्यवाद so much. Hi. हम दोनों यहाँ पर मैच देखने आए, पोलो मैच, and not to forget, मेरी सिस्टर की वजह से हम दोनों ने एक एक फोटो खिंचवाई है मिसेज बिरला के साथ एंड द ऑनरेबल गवर्नर के साथ, तो वो हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले बहुत जल्दी। बस अब दुआ करो ये भी बिग बॉस में चली जाए। मैं तो थोड़ी शांत किस्म की थी, ये आपको दिखेगी ऐसे इन घोड़ों की तरह दौड़ती हुई, घोड़ों की तरह दौड़ती हुई नहीं, घोड़ों की तरह दौड़ाती हुई। हाँ वो है, हाँ दौड़ती दौड़ाती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। विक्की को सपोर्ट कर, मतलब विक्की और मुनव्वर का काफी झगड़ा भी हुआ था, क्या कहेंगे? उसे मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख रहा, लेकिन विक्की मेरा दोस्त है, उसके शादी में बहुत नाचा है, बहुत प्यारा लड़का है,
सोच समझ के बात करते हैं। अंदर क्या गलती आ रहा है मुझे पता नहीं, बट आई थिंक डिसेंसी मेंटेन कर। काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं आपके ऋषि अंकिता को लेके, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कि शादी हुई है, आपस में झगड़ा, शादी हुई है, झगड़े होते हैं, कैमरा लगा है, यहाँ लगा है, सिंपल होते हैं। उसमें क्या है, हम हर एक झगड़े को यहाँ ग्लोरीफाई करते हैं, अरे भाई झगड़ा हो गया, किसके घर में झगड़े नहीं, किसके घर में सेपरेशन की बात होती है, किसके घर में कोई धमकी नहीं देता मैं छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगा, होते हैं, लेकिन शादी कब की आएंगे कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मेरे घर में तो बहुत ही हो। कि मैं सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बस इतने ही? मैं सच बताऊं तो इस साल मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो फिर भी अंकिता है और देखो ऐसा है कि यार ये एक बहुत ही मनोवर है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो अच्छा खेलेगा हम श्योर वही जीतेगा। आप लोग जो है मीडिया किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये बताइए मुझे, आई एम श्योर आप लोग के बहुत फेवरेट्स होंगे, इनके भी होंगे, तो आई एम श्योर। यार देखो कुछ सीजन होते हैं जब हम लोग देखते हैं, इस साल में मैं सच बताऊँ तो मैं देख नहीं पाया हूँ, बट यस काफ़ी गर्मा गर्मी रहा है, बिग बॉस काफ़ी चर्चा में रहा है, आई एम श्योर जो जीतेगा बहुत अच्छा खेला होगा उसने। विशिंग एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। चेतक को कितना मिस कर रहे हो? ये देखो अच्छा सवाल पूछा इसने मुझे, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, जान के बेहद दुख होगा कि वो अब नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है कोविड के टाइम पर, लेकिन हाँ मैं बहुत मिस कर रहा हूँ जी, थैंक यू। और बहुत जल्द आप लोगों को सरप्राइज भी दूंगा घोड़ों से रिलेटेड। ओके ओ अंगरो वहाँ पे ले गया, हाँ उधर उधर अंदर कर लो, सेंटर 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 सेंटर, अरे अंकुर हट ना अभी से, आने तो दे। कैसे हो आप? एकदम ठीक हो, आप कैसे हो? जी आइए। अरे अंकुर यार तू प्रेम में चले गए। ठीक हो अभी सेंटर क्या भी देखेंगे? बेटा यहाँ पे देख लेंगे। अंदर इधर आइए, इधर बैठिए। सर यहाँ पे देखिए सामने He decides to make the ball up front, but... Thank you. Thank you. Thank you.